एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपके साथ अपना नाइट स्किन केयर रूटीन जो है वो शेयर करने वाली हूँ। सो मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है एंड यहाँ पे मोस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स जो है ड्राई स्किन के अकॉर्डिंग है, मेरे स्किन के अकॉर्डिंग। एंड मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि स्किन केयर रूटीन तो जरूर से करना चाहिए। गाइस, क्या होता है ना, दिन भर हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम अपने स्किन की देखभाल करें, बट रात के वक्त सोने से पहले एटलीस्ट हम हमारे स्किन को जो है पैम्पर जरूर कर सकते हैं। इतना तो टाइम हमें अपने आप के लिए निकालना ही होगा, राइट? जब हम हमारी स्किन पर ध्यान देंगे, उसे पैम्पर करेंगे, तभी हमारी स्किन जो है नेचुरली हेल्दी एंड ग्लो होगी। एंड इन सारे प्रोडक्ट्स को मैं रेगुलरली यूज करती हूँ। इन सारे प्रोडक्ट्स के मुझे अब तक कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखे हैं एंड इन प्रोडक्ट्स को यूज करने के बाद मेरी स्किन जो है इम्प्रूव हुई है एंड ड्राइनेस बिल्कुल नहीं रहती है। सो स्टार्ट करते हैं आज का मेरा नाइट स्किन केयर रूटीन। सो नाइट स्किन केयर रूटीन में जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा वो होगा क्लेंजिंग। फर्स्ट स्टेप मेरा है क्लेंजिंग एंड मैं क्लेंजिंग के लिए यूज करती हूँ जोवीज का क्लेंजिंग मिल्क। ये मिल्क फॉर्म में आता है एंड अभी मैं जो मेरा स्किन केयर है नाइट स्किन केयर अपने हाथ पर ही करके बता दूंगी, डोंट माइंड। सो ये आप इसका टेक्सचर देख सकते हो, बिल्कुल मिल्की फॉर्म में आता है। मैं इसे बिल्कुल थोड़ा सा लेती हूँ एंड ऑल ओवर अपने फेस पर एंड नेक पर 1 से 2 मिनट मसाज करती हूँ। एंड मसाज करने के बाद अगर आपने मेकअप अप्लाई किया है तब भी एंड अगर नहीं किया है फिर भी क्लेंजिंग मिल्क का जरूर से इस्तेमाल करें। एंड इसे मसाज करके मैं जो है वेट वाइप से अपने फेस को अच्छे क्लीन कर लेती हूँ। सो मैं वेट वाइप्स के लिए यूज करती हूँ कारा के वेट वाइप्स एंड या फिर टुलिप्स के। ये दोनों के वेट वाइप्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बिकॉज इसके अंदर है विटामिन ई एंड ये पैराबिन फ्री होते हैं, इसीलिए मैं ये वेट वाइप्स का इस्तेमाल करती हूँ। तो पूरे ऑल ओवर फेस को अच्छे से क्लेंस करने के बाद मैं वेट वाइप से अपने ऑल ओवर फेस एंड नेक को वेट वाइप से जो है क्लीन कर लेती हूँ, जिससे इस वेट वाइप्स पे जितना भी मेकअप या फिर कोई भी डस्ट हो वो अच्छे से रिमूव हो जाता है। एंड ये स्टेप करने के बाद मैं अपने फेस को फेस वॉश से क्लीन करती हूँ। सो फेस वॉश के लिए मैं 2 फेस वॉश का इस्तेमाल करती हूँ। कई बार मैं ये मेरे पास अगर ज्यादा टाइम नहीं होता तो मैं ये हिमालय का नीम फेस वॉश यूज कर लेती हूँ, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है। या फिर अगर थोड़ा टाइम होता है मेरे पास तो फिर मैं ये फोमिंग फेस वॉश का इस्तेमाल करती हूँ। ये गुड वाइब्स का एलोवेरा फोमिंग फेस वॉश है, ये भी ऑल स्किन टाइप वालों के लिए है। सो ये इसे शेक करना है एंड ऐसे फोम में आता है। एंड इस फोमिंग फेस वॉश को ऑल ओवर फेस पर अप्लाई करने के बाद मैं अगर मेरे पास टाइम होता है तो मैं मसाजर का यूज करती हूँ। सो ये जो मसाजर है ये है लैक्मे एब्सोल्यूट का मसाजर, जो मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है। ऑल ओवर फेस में ये फोमिंग जो फेस वॉश है उसे लगाकर इस मसाजर का यूज करना है। एंड ये मसाजर को कैसे यूज करते हैं, सो इसके अंदर 2 बैटरी दी हुई है। सो इसमें 2 जो है एप्लीकेटर दिए हुए हैं, एक स्पॉन्ज का है एंड एक हार्ड बॉल्स का है। सो जिस वक्त हम फेस वॉश को अप्लाई करते हैं उस वक्त इस स्पॉन्ज के एप्लीकेटर को यहाँ पर फिट कर देना होता है एंड यहाँ से ऑन करते ही ये जो मसाजर है ये ऑन स्टार्ट हो जाता है। एंड ये जो फेस वॉश है उसे ऑल ओवर फेस पर अच्छे से मसाज करना है एंड लगाना है, जिससे क्या होगा हमारे फेस की मसाज भी हो जाएगी एंड फेस डीपली क्लीन हो जाएगा। आपके पास जो भी मसाजर हो उसका इस्तेमाल कर सकते हो। एंड फिर से वही जो वाइप्स का इस्तेमाल किया है वेट वाइप्स, उसके जरिए आप अपने फेस को क्लीन कर सकते हो या फिर वाटर से अपने फेस को वॉश कर सकते हैं। अब जो हमारा सेकेंड स्टेप होगा, मैं जो सेकेंड स्टेप यूज करती हूँ वो होगा टोनिंग। मैं फेस को
टोनर की मदद से टोनिंग करती हूँ। ये है जोविस का, ये भी जोविस का टोनर है। एंड ये रोज वाला जो टोनर आता है जोविस का, वो ड्राई स्किन के लिए आता है। एंड जो ग्रीन कलर का टोनर आता है वो ऑयली स्किन के लिए आता है। अगर मैं फेस वॉश करने के बाद जो मेरा सेकेंड स्टेप मैं करती हूँ वो होता है टोनर अप्लाई करना। आप टोनर क्या होता है, डायरेक्टली हम अपने फेस पर अप्लाई कर सकते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करती हूँ। कॉटन बॉल्स या फिर कॉटन पैड का इस्तेमाल करती हूँ, जो है टुलिप्स के कॉटन पैड्स हैं। इसमें हल्का सा थोड़ा सा जस्ट स्प्रे करना है, एक से दो बार, एंड ऑल ओवर फेस एंड नेक पर सिर्फ ऐसे डैब करना है। सेकंड स्टेप हो गया टोनर। टोनिंग से क्या होगा, हमारा जो फेस है डीपली क्लेंज हो जाएगा, हमारे जो ओपन पोर्स होंगे वो कंट्रोल में आ जाएंगे। टोनर के बाद जो मेरा थर्ड स्टेप होगा वो होगा मॉइस्चराइज। मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करती हूँ। आप चाहो तो आप कोई भी अच्छा सा नाइट क्रीम या मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हो, बट मैं नाइट टाइम में इस क्रीम को अप्लाई करती हूँ। ये कुछ वेनुसिया ऐसा कुछ क्रीम है डॉक्टर रेडीज का। मेरे जो स्किन के डॉक्टर थे, मेरी स्किन बहुत ज्यादा, मेरे स्किन में ड्राइनेस रहती है, मुझे पता नहीं लग रहा था कि मैं नाइट टाइम में कौन सा नाइट क्रीम यूज करूं। तो मैंने अपने डॉक्टर से पूछा था, उस वक्त उन्होंने मुझे ये क्रीम सजेस्ट किया था। मैं ऐसी क्रीम का इस्तेमाल करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा क्रीम आता है, इसके अंदर है विटामिन ई, एलोवेरा, एंड बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स है, नेचुरल है, किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल कलर नहीं है इसके अंदर, एंड किसी तरह का कोई फ्रेग्रेंस भी नहीं है। जैसे मेडिकल में जो ट्यूब्स मिलते हैं उसी तरह का इसका फ्रेग्रेंस है। एंड ये मेरे स्किन को वेल मॉइस्चराइज करती है। मेरा जो थर्ड स्टेप है, मैं इस, आप इसे नाइट क्रीम या मॉइस्चराइजर कुछ भी कह लो, मेरे फेस के अकॉर्डिंग, जो स्किन है उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया था। क्रीम को अप्लाई करने के बाद, ऑल ओवर फेस पर अप्लाई करने के बाद, मैं इस मसाजर का यूज करती हूँ। इस मसाजर में जो हार्ड बॉल दिया हुआ है, इसमें चार बॉल्स हैं, इस एप्लीकेटर को इसमें अटैच करके ऑल ओवर फेस की मसाज करती हूँ एक से दो मिनट, जिससे क्या होगा, जो नाइट क्रीम या फिर मॉइस्चराइजर क्रीम है वो हमारे स्किन पे डीपली चला जाएगा एंड अच्छे से इसका रिजल्ट मिलेगा हमें। नाइट क्रीम अप्लाई करने के बाद इस मसाजर का यूज करती हूँ, हार्ड बॉल्स का। मैं ये तो रेगुलरली करती ही हूँ, बट जिस तरीके से हम महीने में एक बार फेशियल करते हैं, वैसे ही मैं हफ्ते में एक बार अपने ऑल ओवर फेस को अच्छे से क्लीन करती हूँ, क्लीन अप करती हूँ। क्लीन अप के लिए मेरा जो फर्स्ट स्टेप है, जो मैंने आपको बताया क्लिनजिंग, वो तो रहता ही है। जैसे क्लिनजिंग मल्क का यूज कर लो एंड फिर वेट वाइप से ऑल ओवर फेस को क्लीन करने के बाद कोई भी अच्छे से ये फेस वॉश का इस्तेमाल कर लेती हूँ। मेरा दोनों में फर्स्ट स्टेप तो सेम ही रहता है। एंड सेकेंड मेरा जो स्टेप होता है वो स्क्रबिंग का होता है। एंड स्क्रबिंग के लिए मैं यूज करती हूँ जोवेस का D10 फेस स्क्रब। ये एक फेस स्क्रब है एंड ये फेस स्क्रब बहुत ही ऑसम है। इसे यूज करने के बाद आपके फेस पर जो है ग्लो आ जाता है। ये डी टैनिंग के लिए बहुत बेस्ट स्क्रब है। एंड इस फेस स्क्रब की खास बात ये है कि इसे, जैसे आपने दो मिनट तक इसे स्क्रबिंग कर ली फेस पर, ऑल ओवर फेस पर, एंड इसे जैसे फेस पैक को रहने देते हैं, इस स्क्रब को भी एक से दो मिनट रहने देना है अपनी स्किन पर। एंड उसके बाद जब आप फेस वॉश करोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका। इसे दो मिनट मसाज करना है एंड उसके बाद मैं अपने फेस को वॉश कर लेती हूँ। अभी मैं जो है वेट वाइप से इसे क्लीन कर लेती हूँ। एंड फेस को स्क्रब के साथ मैं अपने लिप्स को भी स्क्रब करती हूँ। लिप्स स्क्रबिंग के लिए मैं इस्तेमाल करती हूँ गुड वाइप्स का कोकोनट लिप स्क्रब। ये गुड वाइप्स के लिप स्क्रब वैसे तो बहुत अच्छे आते हैं, बट मुझे इसका जो लेमन वाला स्क्रब है वो बहुत अच्छा लगा। एंड ये कोकोनट का है, ये बहुत ड्राई है, मैं इसके अंदर कोकोनट जो ऑयल होता है उसे मिक्स करके अपने जो लिप्स है उसकी स्क्रबिंग करती हूँ। जिस दिन मैं अपने फेस की स्क्रबिंग करती हूँ हफ्ते में एक बार, उसी दिन मैं अपने लिप्स की भी स्क्रबिंग करती हूँ।
बिकॉज लिप्स को भी पेम्पर करना बहुत जरूरी होता है। अब मेरा जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा फेस पैक, एंड आप लोगों को पता ही है मैं ऑलवेज इसी फेस पैक को यूज करती हूँ, हिमालय का फेयरनेस केसर फेस पैक। एंड इस फेस पैक को अप्लाई करने के लिए मैं इस ब्रश का यूज करती हूँ। ये फेस पैक ब्रश है, ये हेलो किटी का ब्रश है, एंड हेलो किटी के ब्रश मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये। सो फेस पैक को कैसे अप्लाई करना है पता ही होगा आप लोगों को। सो मैं ऑल ओवर फेस, नेक, अपने दोनों ईयर्स पर फेस पैक को अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ। 10 से 15 मिनट रखना है ऐसे सूखने के लिए, एंड जेंटली 1 से 2 मिनट मसाज करने के बाद फेस को वॉश कर लेना है, सिंपल। सो ये मेरा थर्ड स्टेप था फेस पैक। एंड फेस पैक के बाद बारी आती है फेस को मॉइस्चराइज करने की। सो मैं डेली पर्पस पर तो यही क्रीम यूज करती हूँ, नाइट क्रीम, मॉइस्चराइजिंग क्रीम, जो भी आप कह लो। बट जिस दिन मैं अपने फेस को क्लीन अप करती हूँ फेस की, उस दिन मैं इस क्रीम को स्किप कर देती हूँ, इसका इस्तेमाल मैं नहीं करती। इसकी जगह पर मैं इस्तेमाल करती हूँ नोवा एज का ओवरनाइट फेस मास्क। ये एक फेस मास्क है, जेल बेस में आता है। इसे आपको फेस मास्क जैसे अप्लाई करते हैं उसी तरह अप्लाई कर लेना है, एंड ये फेस मास्क जो है आपके फेस पर अब्सॉर्ब हो जाएगा, तो फेस को वॉश नहीं करना है। रिजल्ट जो है मॉर्निंग को बहुत अच्छा आता है, ग्लोइंग सा फेस एंड सॉफ्टनेस आ जाती है फेस पर। ऐसे आपको ओपन करके बताती हूँ, ये बहुत ही क्यूट सी पैकेजिंग में आता है, ये ग्लास की है, इसका जो कंटेनर है ग्लास का है, ब्लू कलर का। एंड ये जो फेस मास्क है ये जेल बेस है। सो मैं इसे ऑल ओवर फेस एंड नेक पर अप्लाई करके सो जाती हूँ, बहुत ही अच्छा है। इसकी फ्रेग्रेंस बहुत माइल्ड है, अच्छी लगती है मुझे। सो ये था मेरा थर्ड स्टेप। एंड जिस दिन मैं इस फेस मास्क को इस्तेमाल करती हूँ उस दिन मैं मसाजर का इस्तेमाल नहीं करती, बिकॉज ये एक फेस मास्क है तो उसे अप्लाई करके रखना है, नॉट अपने फेस पर अच्छे से अब्सॉर्ब करवाना है। सो मैं डेली इसे यूज करती हूँ, बट जिस दिन मैं क्लीन अप करती हूँ उस दिन इस मसाजर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ। मेरा लास्ट स्टेप होता है ऑल डे। ऑल डे मैं सुबह हो, रात हो, दोपहर हो, कोई भी टाइम हो, मैं लिप बाम जरूर से यूज करती हूँ। एंड मैं नाइट टाइम पे जो है ट्रांसपेरेंट जो लिप बाम आते हैं जिसमें किसी तरह का कोई आर्टिफिशियल कलर ना हो, उस लिप बाम का यूज करती हूँ। सो मैं ज्यादातर नीविया एंड नायका के लिप बाम्स को यूज करती हूँ। जो लास्ट मैं क्या करती हूँ ये है निविया का बॉडी मिल्क मॉइस्चराइजिंग लोशन। ये वेरी ड्राई स्किन वालों के लिए है, सो मेरी स्किन ड्राई है, ऑल ओवर बॉडी पर इसे अप्लाई कर लो। ये स्टेप मैं रोज करती हूँ, जिस दिन मैं क्लीन अप करती हूँ उस दिन भी। सो ये मेरा बॉडी लोशन है, इसे मैं रोज रात को इस्तेमाल करती हूँ एंड आफ्टर बाथ भी, एंड इस टोनर को भी मैं आफ्टर बाथ भी इस्तेमाल करती हूँ। सो गाइज ये है मेरे सारे नाइट स्किन केयर रूटीन के प्रोडक्ट्स। आई होप सो के आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। और इन सारे प्रोडक्ट्स से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछ सकते हो। सो गाइज अगर आपको मेरा ये वीडियो एंड मेरे सारे प्रोडक्ट्स पसंद आए तो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू, बाय, टेक केयर।